नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी साहित्य वाटिका में। आइए सुनते हैं शैली माथुर जी द्वारा लिखी कहानी जनरेशन गैप। ट्रेन में चढ़ते चढ़ते तक सुधीर की हिदायतें जारी थी, सहयात्रियों से ज़्यादा घुलना मिलना मत और कोई कुछ ऑफर करे तो लेना मत। आप तो मुझे ऐसे समझा रहे हैं जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। अरे दादी नानी बन चुकी हूँ मैं। मैं कुछ उदास और रुआंसी हो चली थी। दुखी मत हो पारुल, इतने सालों बाद अकेले यात्रा कर रही हो इसलिए बता रहा हूँ। जमाना बहुत बदल गया है, तुम बहुत भोली हो, सहज ही हर किसी से जुड़ जाती हो। लोग इसका गलत फ़ायदा उठाकर तुम्हें ठग न लें। मैं ध्यान रखूँगी, आप भी अपना ध्यान रखना। ट्रेन सरकने लगी, उसकी बढ़ती गति के साथ ही अंदर बाहर खड़े लोगों के हाथ भी तेजी से हिलने लगे। मैं पर्स संभाले अपनी सीट तक पहुंच गई। सामान सुधीर पहले ही जमा चुके थे। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद सुधीर ने नई नई प्राइवेट नौकरी ज्वाइन की है। इतनी जल्दी छुट्टियां मांगना उचित नहीं होगा, लिहाजा दीदी के पोते के मुंडन के अवसर पर मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा था। यहाँ से सुधीर ने बैठा दिया है, वहाँ स्टेशन पर जीजाजी लेने आ ही जाएंगे। फिर भी पता नहीं क्यों सुधीर इतना घबरा रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं, मुझे भी परेशान कर रहे हैं। सच तो यह है कि मेरी बहुत परवाह करते हैं। सुधीर का अपने प्रति अब भी इतना प्यार महसूस कर मन खुश हो गया। वातानुकूलित डिब्बे में हर कोई अपने में लीन था। मेरी सीट खिड़की के पास वाली थी, लेकिन मेरा सहयात्री नवयुवक ईयरफोन लगाए लैपटॉप पर आंखें गराए जाने किस दुनिया में खोया हुआ था कि मेरे दो बार एक्सक्यूज मी कहने पर भी उसने निकलने का रास्ता नहीं दिया। मजबूरन मुझे बेटा कहकर उसका कंधा हिलाना पड़ा। उसने बुरी तरह चौंकते हुए सिर उठाया। मैंने इशारे से समझाया तो उसने ओह सॉरी कहते हुए पांव सिकोड़ लिए। गहरी सांस भरकर मैं अपनी सीट पर बैठ गई। ऐसे सहयात्रियों से सुधीर घुलने मिलने की मनाही कर रहे थे जिन्हें अपने आसपास की दुनिया का भान ही नहीं है। ये क्या किसी को ठगेंगे, मैं मन ही मन बोली। मैंने स्टेशन से खरीदी हुई दोनों पत्रिकाएं निकाल ली और एक के बाद एक पन्ने पलटने लगी। उस नवयुवक ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया था और ईयरफोन भी निकाल लिए थे, पर धीमी आवाज़ में संगीत अब मुझे भी सुनाई दे रहा था। आपको म्यूजिक से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैंने ना में गर्दन हिला दी। या मैगजीन देख लूँ मैं, उसने मेरे सामने रखी दूसरी मैगजीन उठाते हुए कहा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मन ही मन मुझे हंसी आ रही थी, महिलाओं की इस पत्रिका में भला यह नवयुवक क्या पढ़ेगा। कुछ पृष्ठ उलटने के बाद उसने पूछा, ये सब रेसिपीज आप कभी बनाती हैं? हाँ कभी कभी बना लेती हूँ। अच्छा, बच्चे जिद करते होंगे तब, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मन ही मन फिर हंसी आ गई। बच्चे नहीं बेवकूफ़, नाती पोते। मन किया सुधीर को फ़ोन करूं और इठला कर बताऊं, देखो मेरे फिगर से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। पर प्रत्यक्ष में मैं भी हौले से मुस्कुरा दी। कितना अच्छा लगता होगा ना बच्चों को, अधिकार पूर्वक आपसे कुछ बनवा कर खाना, और आपको भी कितना अच्छा लगता होगा ना उनके जिद को पूरा करना। इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, आप कहेगा मेरी माँ नहीं है इसीलिए। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। मैं अपनी ही सोच में डूबी थी कि गाड़ी धीमी होने लगी। स्टेशन आ गया था, वह युवक उतरा और सामने के स्टॉल से दो ग्लास चाय लेकर आ गया। लीजिए, उसने एक ग्लास मेरी ओर बढ़ाया। मैंने स्पष्ट इनकार कर दिया। ओह शायद आप डर रही होंगी कि मैंने इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया, तो यह ले लीजिए, उसने सहज परिहासवश दूसरा ग्लास आगे बढ़ाया। मैं शक पका गई, मेरे सामने ही तो वह स्टॉल से सीधे चाय लेकर आया है और मैं शक कर रही हूँ। लीजिए ना आंटी, उसने ज़बरदस्ती मेरी हाथ में चाय का ग्लास पकड़ाते हुए बिस्किट का पैकेट निकाला और चाय के साथ खाने लगा। बिस्किट, उसने अब बिस्किट ऑफर किए। नहीं बस चाय बहुत है। गाड़ी सरकने लगी थी, चाय गटकने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था।
अदरक की चाय निश्चित रूप से स्वादिष्ट थी, लेकिन मैंने डरते डरते ही गले से नीचे उतारी, जबकि वह मज़े से खा पी रहा था। मुझे डर था कि वह मुझसे फिर बातें न करने लगे, इसलिए मैंने मैगजीन में आंखें गिरा दी। तभी उसका मोबाइल बजा। हाँ, ओह नो, मैं पहुँच रहा हूँ। उसने बेहद निराशा में फ़ोन काट दिया, आंखें बंद कर लीं और सिर सीट पर टिका दिया। मैं अनमनी सी हो उठी। उसकी बंद आंखों के पीछे क्या सच छुपा है, यह जानने की बेचैनी होने लगी। फ़ोन पर निश्चित ही कोई बहुत दुखद सूचना थी। उसकी बंद आंखों से दबे पांव निकलती आंसुओं की दो बूंदें मुझसे छुप ना सकी। मेरा मातृत्व तड़प उठा। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? माँ नहीं रही, उसके होंठ फड़फड़ाए। क्या? मैं सख्ती में आ गई। कैसे, क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट? मैंने पागलों की तरह उसका हाथ पकड़कर झिझोर डाला। नहीं आंटी, वह तो बरसों से कोमा में थी, किसी को पहचानती भी नहीं थी, पापा ही उन्हें संभाल रहे थे। मैं तो इंजीनियरिंग करने के लिए हॉस्टल में रह रहा था, परीक्षा देकर आज ही घर लौट रहा था। सोचा था कि माँ की सेवा कर पापा का काम अब मैं हल्का कर दूंगा, पर शायद मेरे नसीब में माँ की सेवा करना लिखा ही न था। वह सिसकने लगा, मेरा मन भर आया। दिल छोटा नहीं करते बच्चे, तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, अब तुम अपने पापा के अकेलेपन के साथी बनोगे, उनका सहारा बनोगे। यदि तुम ही टूट जाओगे तो बताओ उन्हें कौन संभालेगा? मैंने उसे पानी का ग्लास भरकर थमाया और धीरे धीरे उसका हाथ सहलाने लगी। वह जल्द ही शांत हो गया। मैंने अपना लंच बॉक्स खोला और उससे खाने का आग्रह करने लगी। वह नानुकुर करता रहा। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी, घर पहुंचकर तो वह कुछ नहीं खा पाएगा, भूखे पेट शोक में माहौल में उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। यह सोच मैंने अंतिम प्रयास किया। मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, मेरा मन रखने के लिए ही खा लो। मेरा यह हथियार काम कर गया, उसने कौर तोड़ा और खाने लगा। युवक अप्रत्याशित रूप से काफ़ी सहज और शांत हो चला था। मैं मन ही मन बेहद संतुष्ट महसूस कर रही थी। अच्छा है, इस शोक की घड़ी में उसे संभालने वाला कोई मुझ जैसा बुजुर्ग उसके समीप है, वरना बेचारे का क्या हाल होता। मेरा हाथ अब भी उसके हाथ पर धरा था और हौले हौले स्नेह से उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद थपथपा देता था। उसका स्टेशन आ रहा था, वह खड़ा हो गया था, उसकी नज़रें किसी को तलाश रही थी। अचानक वह खुशी से चिल्ला पड़ा, हे डैडी, और वह जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी भी, जिसे वह डैडी कहकर पुकार रहा था, खुशी खुशी जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। मैं भौचक्की से यह दृश्य देख रही थी कि उसके डैडी इतनी जल्दी उसे लेने भी आ गए, और दोनों हंसते हंसते ऐसे गले मिल रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। वह युवक हंसी खुशी एक एक सामान डिब्बे से निकालता जा रहा था और उसके डैडी भी खुशी खुशी सब सामान कूली के ठेले पर रखवाए जा रहे थे। दोनों मजे के साथ साथ बतिया भी रहे थे। मेरे कानों में उनके वार्तालाप का कोई शब्द नहीं पड़ रहा था, उनकी चहकती भावभंगिमाएँ ही मुझे बहरा बनाने के लिए पर्याप्त थी। वह युवक अपने डैडी से मिलने के बाद मुझे तो शायद भूल ही गया था। जब वह मेरी सीट के पास रखा अपना अंतिम बैग लेने आया तो तब मुझे सांप सूंघ गया। मुझे इस स्थिति में देख अचानक उसे मेरा ख्याल आया। ओह आंटी, आई एम सॉरी आंटी, वो दरअसल माँ तो मेरी बचपन में ही गुजर चुकी है, और जब आप डिब्बे में आई तो उस समय मैं लैपटॉप पर जॉब प्रोफाइल देख रहा था। क्या है ना कि छुट्टियों में बोरियत से बचने के लिए कोई समर जॉब ढूंढ रहा था। अब रिजल्ट आने तक कुछ तो करना था ना, तो मुझे एक जगह एक्टर की वैकेंसी नज़र आ गई। अभिनय मेरा शौक है, मैंने सोचा जॉब का जॉब और हॉबी भी पूरी हो जाएगी, तो क्यों न यही हाथ आजमा लिया जाए। यदि आपको प्रभावित कर सका तो मतलब मैं जॉब के लिए परफेक्ट हूँ। क्यों आंटी, अच्छी लगी ना मेरी एक्टिंग? मैं अब भी खामोशी से उसे घूरती जा रही थी। आंखें और शरीर स्थिर थे, लेकिन मन में विचारों का झंझावात मचा हुआ था।
एक के बाद एक विचार आ जा रहे थे। सुधीर ठीक कहते हैं, जमाना वाकई बहुत बदल गया है। उनकी चेतावनी, यदि किसी अजनबी से भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश की तो ठग ले जाओगी, मेरे कानों में गूंज रही थी। पैसे से तो नहीं, पर हाँ भावनात्मक रूप से अवश्य ही ठग ली गई हूँ। आंटी, आंटी कहाँ खो गई आप? लगता है मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो जस्ट अपने आप को टेस्ट कर रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी हर्ट हो जाएंगी। प्लीज़ अपना बच्चा समझकर मेरी नादानी को माफ़ कर दीजिए। उसने मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। गाड़ी ने सीटी दी तो उसके डैडी ने उसे पुकारा, रोहन नीचे उतरो बेटा, कहाँ अटक गए? गाड़ी चलने लगी है। आया डैडी। अगेन वेरी सॉरी आंटी, कहते हुए वह तेज़ी से मेरे पाँवों में झुका और अगले ही पल भागता हुआ बैग सहित चलती हुई गाड़ी से कूद गया। एक पल को मैं फिर कांप सी गई। हे भगवान, कहते हुए मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल आंखें खोली तो उसे अपने डैडी और कूली के संग सकुशल बतियाते हुए और आगे बढ़ते देख राहत की सांस ली। न जाने क्यों, चाहकर भी दिल उसे कोई बद्दुआ नहीं दे पा रहा था। दिल में उसके लिए दुर्भावना का एक कतरा भी ना था। होता भी कैसे, जितनी सहजता से उसने मेरी भावनाओं को ठगा था, उतनी ही निश्चलता से उसने मुझसे क्षमा याचना भी कर ली थी। मैं उसे तब तक जाते देखती रही जब तक कि वह मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो गया, लेकिन उसने इस दौरान एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। मैं जानती थी स्टेशन से बाहर निकलते निकलते उसके मानस पटल से न केवल यह यात्रा वरन इस यात्रा से जुड़ी हर स्मृति, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। शायद भविष्य में कभी फिर से टकराने पर उसे मुझे याद करने के लिए अपने दिमाग पर बहुत जोर डालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी नज़र में यह एक बेहद मामूली घटना थी। लेकिन मैं संभवतः इस घटना को मरते दम तक नहीं भूल सकती। और वह अनजान चेहरा, वह चेहरा तो हर क्षण मेरी आँखों के सामने रहेगा। मैं हैरान थी, कितना फर्क आ गया है पीढ़ियों की सोच में। शायद इसी को जनरेशन गैप कहते हैं। धन्यवाद। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी और वीडियो के संबंध में अपने विचार और सुझाव अवश्य भेजिएगा। शुक्रिया।